क्रिकेट आयरलैंड ने भारत के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज का ऐलान जारी कर दिया। यहाँ पर शेड्यूल जारी करा है इन्होंने, और इस शेड्यूल की पुष्टि करते हुए ICC ने भी ट्वीट करा, जहाँ पर उन्होंने कहा कि कौन कौन मेलाहाइड में पार्टी करने के लिए तैयार है। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर 3 मुकाबले खेले जाएंगे इंडिया और आयरलैंड के बीच, जहाँ पर इंडिया आयरलैंड जाएगा। मेलाहाइड में ये 3 मुकाबले खेले जाएंगे। 18 अगस्त को आपका पहला T20 है, दूसरा T20 आपका 20 अगस्त को खेला जाएगा, और तीसरा T20 आपका 23 अगस्त को खेला जाएगा। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं आयरलैंड क्रिकेट के मेंबर्स, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो आयरलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव है वॉरेन ड्यूट्रोम, उन्होंने 2 बयान दिए, जहाँ पहले बयान में उन्होंने ये बात बोली है, हम 12 महीनों में दूसरी बार भारतीय टीम का आयरलैंड में स्वागत करते हुए बेहद खुश हैं। हमने 2022 में भारत आयरलैंड के बीच 2 शानदार मैच देखे थे जिसकी सारी टिकटें बिक गई थी, इसलिए इस साल 3 मैचों की सीरीज होने से और भी ज़्यादा फैंस को उस अवसर का आनंद लेने का मौका देंगे जो हमेशा यादगार होता है। तो कहीं ना कहीं इस बयान से आप देख सकते हैं कि जो आयरलैंड क्रिकेट है वो चाहते हैं कि जो है इकोनॉमिकली फाइनेंशियली थोड़ा सा आयरलैंड बड़ा हो, बढ़ावा मिले क्रिकेट को, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि आयरलैंड क्रिकेट को इतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के आने से अब उनका फाइनेंशियली जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, आप कह सकते हैं कि मतलब टिकटें इतने नहीं बिक रही थी पहले, अब वो चाह रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि जिस हिसाब से 2 मुकाबलों की टिकटें सोल्ड आउट हो गई थी, अब 3 मैचेस की सीरीज़ है तो कहीं ना कहीं वो भी सोल्ड आउट जाएंगे। और दूसरा बयान उनका एक और आता है, जहां पर उन्होंने BCCI को धन्यवाद करते हुए ये बात बोली है, सबसे पहले BCCI को हमारा हार्दिक धन्यवाद भारतीय टीम के व्यस्त कार्यक्रम में आयरलैंड को लगातार शामिल करने के लिए और हमारे साथ काम करने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि शुक्रवार और रविवार को मैच के दौरान फैंस की उपलब्धता सबसे ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रविवार और शुक्रवार दोनों दिन मैचेस रखे गए हैं, ताकि कहीं ना कहीं वो भी चाहते कि उनकी टिकटें सोल्ड आउट होए, थोड़ा सा जो है पैसों के मामले में फाइनेंशियली वो भी स्ट्रांग बने। तो यहाँ पर जो है मज़ा आएगा देखने में कि इंडिया और आयरलैंड के बीच जो T20 मुकाबला होना है किसकी जीत होती है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप नए खिलाड़ियों को देख सकते हैं खेलते हुए, शायद रिंकू सिंह भी दिख जाए हमें, क्या पता यशस्वी जायसवाल भी दिख जाए, कोई नए गेंदबाज दिख जाए। कमेंट्स में बताएं आप कौन से खिलाड़ी को देखना चाहते हैं इस महामुकाबले में खेलते हुए। साथ साथ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।